वेलकम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। ज़हीराबाद से जो दो लोग मिसिंग हुए थे, उन दोनों की आज लाशें बरामद हुई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले 8 दिन से दो नौजवान मिसिंग थे, जिसकी रिपोर्ट ज़हीराबाद पुलिस स्टेशन में भी लिखाई गई थी, मोहम्मद मोइस और मोहम्मद इस्माइल। लेकिन आज उनकी लाशें एक पुरानी बोली से दस्तियाब हुई। मुकामी लोगों ने पुलिस में इत्तला दी के यहां से कोई बदबू आ रही है। पुलिस जब पहुंची और देखा के दो लाशें पानी में तैर रही थी, फौरन पुलिस ने ये लाशों को निकाल कर तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया जा रहा है कि ये कत्ल का मामला है, क्योंकि इनके दोनों हाथ और पैर बांधे हुए थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दोनों लाशों को दवाखाना मुंतकिल किया। अब देखना है कि ये कत्ल में क्या मोड़ लेता है। मोहम्मद वसीउद्दीन और मोहम्मद फयाज अहमद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। अहमद है, मेरा गांव माडगी है। मेरा एक भाई और एक भांजा जो हफ्ते के दिन से लापता थे, हम संडे के दिन पीएस में रिपोर्ट भी लिखे थे, और उनकी जो डेड बॉडी है आज अलगोल क्रॉस के पास बॉडी में मार के डाले, उनको जो है हफ्ते के दिन से गायब है। और उन हफ्ते के दिन से उनको जैसा हमारे को अंदाज़ा है उसी दिन करें, और लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त चाहते हैं कि हमारा नहीं यार किसी घर में इस जुर्म को ख़त्म करना, जो भी ऐसे कारोबार करते हैं उनको जल्दी से जल्दी जितनी भी कड़ी सज़ा हो। और हमारे पुलिस वाले साहबों से भी गुजारिश है, गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके इसको हमारे केस साल करके उन लोगों को, मुजरिमों को पकड़ कर अंदर डाल के कड़ी से कड़ी सजा दे, कि आइंदा किसी के घर में ये ना हो। और ना बोलते हुए खत्म। हफ्ते के दिन से मेरा साला और मेरे साड़ू का बच्चा दोनों लापता थे भाई, वो लोग बहुत मुसीबत में थे, उनके साथ कौन क्या करे, अल्लाह ही बेहतर जाने भाई। जहाँ तक हो सके हम लोगों की मदद करो, पुलिस वालों से, मीडिया वालों से सबसे दरख्वास्त है, मैं अपने तहे दिल से बोलता हूँ भाई, हमारी मदद करो। ये हमारे साथ हो गया और किसी के साथ ना हो। देखो भाई, ये छोटा मोटा काम नहीं है और ये बहुत बड़ा काम है। ये अगर कोई कुछ कर सकता है तो ये ऐसे छोटे मोटा नहीं कर सकता भाई, बहुत बड़ा काम है ये। जहाँ तक हो सके मीडिया वाले, पुलिस वाले, हमारे साथ हुआ, हम जो तकलीफ में है ऐसी तकलीफ और किसी को ना हो, जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।